उसके बाद 27 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी जिला इकाइयां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार के को ज्ञापन देगी। उसके बाद 1 फरवरी से सभी नगर क्षेत्रों के वार्डों के अंदर हम लोग अभियान चलाएंगे कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो। बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, बढ़ाने की तो बात मत करो, हमसे जो ज्यादा वसूली की है आपने उसके हिसाब से आप बिजली के दाम कम कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कम कीजिए और किसानों को जो आपने बिजली मुफ्त देने का वादा किया था उस वादे को आप पूरा करिए। इन मुद्दे को लेकर 1 फरवरी से हर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में जनता का आंदोलन बनाया जाएगा, इसको एक व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाए जाएंगे, लोगों से आंदोलन में हिस्सेदारी की अपील की जाएगी। तो ये हमारा ये बिजली के खिलाफ चेतावनी का, बिजली के मामले में वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा ये चेतावनी का आंदोलन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मोटे मोटे तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था, आप टन 30,000 रुपये टन जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है, कह रहे नहीं नहीं खरीदो नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे, क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण ये, दूसरी बात आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको 25 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए आप बिजली के उत्पादन इकाइयां बढ़ाइए, बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ाइए। अब क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं, क्यों इस सिस्टम को आप जारी रखना चाहते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियामक आयोग की रिपोर्ट है। नियामक आयोग के सामने बहुत सारे लोगों ने मांग की, नोएडा के 1,56,000 उपभोक्ताओं ने कहा हमसे ज्यादा बिजली का बिल वसूल लिया गया। उसका आकलन किया नियामक आयोग ने और लगभग 1,100 करोड़ रुपए 1,56,000 बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले गए थे। ये आकलन करके नियामक आयोग ने कहा कि आप इनका पैसा वापस कीजिए। और पूरे उत्तर प्रदेश से, जिसमें पत्रकार बंधुओं आप लोग भी शामिल हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से 25,133 करोड़ रुपए बिजली की कंपनियों ने बिजली के उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। 25,133 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों ने ज्यादा वसूला है। तो चोरी और सीनाजोरी चल रही है, हमसे ही ज्यादा बिजली का बिल वसूलते हो, हमारा बिजली का दाम सस्ता करना चाहिए और आप बिजली का दाम सस्ता करने के बजाय हमारे ऊपर ही बिजली का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, दाम का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं हम और बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी और हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में किया जाएगा। और उस धरने में हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने का काम करेंगे कि आपने वादा खिलाफी की है, चुनाव में कहा था बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को, बिजली का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली किसानों की मुफ्त कीजिए नंबर एक, और 25,133 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लूटा गया है, ज्यादा वसूला गया है, ज्यादा भ्रष्टाचार करके लिया गया है, वो पैसा बिजली उपभोक्ताओं को या तो वापस कीजिए या बिजली का दाम कम करके।
तो कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का एक ऐसा बड़ा समूह है जिनकी रस्सी जल चुकी है। राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, बावजूद इसके अहंकार में जिंदा है। मेरा तो यह कहना है कि भाई आपसे कौन कह रहा है कि आप हमें आमंत्रित कीजिए? आपको कोई आपसे कोई कह तो रहा नहीं कि आप हमें आमंत्रित कीजिए। आप अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं किसको आमंत्रित करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इस भाषा से, इस बोली से यह कहना कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं बुला रहे, एक ही चीज प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का लड़ना मकसद नहीं है, उनका मकसद है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना। तो एक तो नफरत की दुकान है भारतीय जनता पार्टी जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, और दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अहंकारी नेताओं का एक ऐसा समूह है जो हमसे लड़ रहा है। तो दोनों पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लड़ने का काम कर रही है, कोई बात नहीं। इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया। इस देश की जनता के सहयोग से हम यहां तक का सफर तय किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश की जनता ने विश्वास और प्यार जताया है, वोट दिया है गोली भर भर के, तब हम राष्ट्रीय दल बने। कौन बुलाता है नहीं बुलाता है ये कोई मायने नहीं रखता। मैं तो इतने ही कहूंगा कांग्रेसियों के बारे में कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, 53-54 सीट पे पहुंच चुके हो आप लोग, लेकिन अभी भी अहंकार में जी रहे हो। तो आपको मुबारक हो, आप अपने अहंकार में जिए।